पंजाब आए सरसों का साग और मक्की की रोटी नहीं खाई ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आपको लेकर आया एक ऐसे स्टॉल पे जिन्होंने अभी नया नया सेटअप लगाया और यहाँ पे सरसों का साग और मक्की की रोटी खिलाते हैं। तो चलिए चलते हैं, इनसे इनकी स्टोरी जानते हैं और इनके सरसों का साग और मक्की की रोटी ट्राई करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम दीप सिंह। तो कितना टाइम हो गया अभी स्टार्ट किया? मेरे को 1 महीना सर। 1 महीना हो गया। क्या क्या लगाते हैं यहाँ पे? मक्की की रोटी, सरसों का साग, मक्खन डाल के और नाल सलाद, मूली अचार और चाट की लस्सी। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले बस सर लेबर का काम करता था। लेबर का काम करता? हाँ जी सर। तो हमारे सरसों के साग को तड़का लगने जा रहा है, तो कैसे सोचा कि सरसों का साग से मक्की की रोटी लगाएं? बस ऐसे ही सर घर पे बैठे बैठे काम के बारे में सोच रहे थे, तो माइंड में आया कि यार कुछ काम कर जाए अपना, वो जो अपना काम हो। तो मैंने, हम घर पे रह कर रहे थे भी क्या काम करें क्या करें, तो एक्चुअली हम लोगों ने साग बनाया हुआ था, साग बनाया हुआ, साग खाते खाते ध्यान में आया कि यार साग का काम शुरू की। हाँ जी सर। तो फिर मेरे माइंड में आया, और हमारे जो साग है वो मेरी मम्मी बनाती है। हाँ घर से बना के, रोटी भी घर से बना के लेके, क्योंकि जे अगर हम जहाँ रोटी बनाएंगे तो उसको टाइम लगता है रोटी बनने में। तो इसको पहले से तड़का लगाया था हमने? हाँ सर। एक तड़का पहले लगा होता है? हाँ। और दोबारा से गर्मा गर्म तड़का लगा के? हाँ। तो कैसा रिस्पॉन्स है आजकल? हाँ बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, लोग आ रहे हैं, मतलब पसंद? हाँ हाँ बहुत आ रहे हैं। अगर किसी को बिना तड़के का चाहिए बिना तड़के का, अगर तड़के का चाहिए तो तड़का लगा के भी। हाँ अगर जो किसी को ज़्यादा स्पेसी खाते हैं, स्पेशल तड़का चाहिए उसको ज़्यादा स्पेसी फिर खवाते हैं। तो जो मम्मी बनाते घर पे चूल्हे पे बनाते हैं कि? हाँ सर चूल्हे पे। सर चूल्हे पे बनता है? हाँ चूल्हे पे बनता है, क्योंकि सर एक्चुअली गैस पे वो बात नहीं रहती। हाँ चूल्हे पे बहुत अच्छा बनता है, इसको करीब से करीब 3 घंटे लगते हैं बनने की। तो प्राइस क्या रखा है प्लेट का? 60 रुपये सर। 60 रुपये प्लेट रहती है? हाँ जी सर। और चाट की लस्सी, एक 10 वाला ग्लास होता है, एक 20 वाला होता है। हाँ जी सर। मक्की की रोटी कितनी रहती है? 2 रोटी होती है मक्की की। हाँ। और देसी घी होता है साथ में? घर का मक्खन होता है। ज़्यादातर लोग तड़के वाली पसंद करते हैं कि बिना तड़के? ज़्यादातर तड़के, क्योंकि सर तड़के के बिना टेस्ट ही नहीं है साग का। तो बिना तड़के की प्राइस 60 रुपये है? नहीं सर, तड़के के बिना अगर अकेला साग चाहिए 60 रुपये पाइया। अच्छा। तो 60 रुपये पाइये में इतना साग आ जाता है। ये आ गया सरसों का साग। तो फाइनली पंजाब का सरसों का साग और मक्की की रोटी यहाँ पे लग चुकी है, और ऊपर से डाला है इन्होंने वाइट मक्खन, और जो इन्होंने तड़का लगाया था वो भी देसी घी का लगाया था। चलिए इसको मक्खन को अच्छे से साग में मिक्स कर लेते हैं। 60 रुपये की प्लेट है, जिसमें कि 2 मक्की की रोटी दी है, थोड़ा सा सैलड दिया है, सैलड में इन्होंने मुझे मूली दी है, मिर्ची दी है, और ये है 2 गर्मा गर्म मक्की की रोटी जिसपे इन्होंने देसी घी लगाया है। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मुझे बहुत दिन हो गए थे बढ़िया सा साग खाए हुए। तो सर्दियों के मौसम में साग तो आपको हर जगह खाने को मिल जाएगा, बट इनकी खास बात यह है कि जो इनकी मम्मी है वो एकदम चूल्हे में गर्मा गर्म साग बनाती हैं, जैसे कि लोग पुराने टाइम पे बनाते थे, तो उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है, और वाकई में इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो जो इन्होंने वाइट मक्खन यूज़ किया है, देसी घी तड़का लगाया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आपके स्टॉल की टाइमिंग क्या रहती है? 10 से बस 4-5 बजे तक रहते हैं, जब तक माल स्टॉक नहीं यूज होता तब तक। पहले खत्म हो जाए तो पहले चले? हाँ सर, कोई पता नहीं है, अब आया हूँ घंटे में खत्म हो जाए या 2 घंटे में, कोई पता नहीं है। और एड्रेस बता दीजिए किसी को आपका साग टेस्ट करने आना है? गुबार मंडी खालसा कॉलेज। गुबार मंडी खालसा कॉलेज? हाँ जी सर। तो अगर आप भी लुधियाना रहते हो और ये साग टेस्ट करने जाते हो, तो खालसा कॉलेज के सामने आके ये स्टॉल लगता है इनका, यहाँ पे आके इसको टेस्ट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।